वेलकम पेरेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप खुद पजल कैसे बना सकते हो और अपने बच्चों को बता सकते हो हल करने के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो में पजल को कैसे बनाया जाए और ग्रिड को कैसे लिखा जाए उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप मेरी इस कोशिश को कैसे देखते हैं उसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखें। सो लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, ये एक बिल्कुल ब्लैंक ग्रिड है। आपने क्या करना है, A4 साइज की शीट लेकर उसके ऊपर इस तरह से चार ग्रिड बन जाएंगे। एक साइड में चार जब ग्रिड बन जाएंगे आप उसकी फोटोकॉपी कराएं दूसरी A4 साइज शीट के ऊपर दोनों साइड पे। तो इसका मतलब है आपके पास एक A4 शीट में 8 सुडोकू पजल के ग्रिड, ब्लैंक ग्रिड मिलेंगे। आप उनको अपने आसानी से भरकर बच्चों को दे सकते हो सॉल्व करने के लिए। सो दोस्तों, एक सुडोकू ग्रिड में 9 ब्लॉक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस 9 के अंदर 9 ही रोज होती हैं और 9 ही कॉलम होते हैं। हर कॉलम में 1 से लेकर 9 नंबर तक नंबर भरे जाने चाहिए और हर कॉलम में 1 से 9 तक और हर रो में 1 से 9 तक और हर ब्लॉक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर ब्लॉक में 9 सेल होते हैं और 9 के 9 सेल 1 से लेकर 9 तक फिल होने चाहिए। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी नंबर ना रो में और ना कॉलम में और ना ही ब्लॉक में रिपीट होना चाहिए। तो आइए, आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, आपने 1 से 9 तक में से कोई भी 3 नंबर आपने सिलेक्ट करने हैं। लेट अस से मैंने सिलेक्ट किया है 2, 5, 8। आपको आपकी चॉइस है आपने इसको कितनी वेरिएशन देनी है। आप 3 नंबरों के ग्रुप के कई ग्रुप बना सकते हैं, 1, 2, 3 कर सकते हैं, 2, 3, 4 कर सकते हैं, 4, 5, 6 कर सकते हैं, 5, 6, 7 वगैरह वगैरह। बाकी जो 6 नंबर बच गए हैं उनके हमने 3 ग्रुप बना लेने हैं, 2-2 के। फॉर एग्जांपल 1, 3, 4, 6 एंड 7, 9। अब हमने इसको लिखना शुरू करना है। सबसे पहले आप लिखिए 2 इन तीनों ग्रुप को, 5 एंड 8। इस डायगोनल में आपने ये सारे नंबर भर देने हैं हर ब्लॉक में, 2, 5, 8
2, 5, 8 डाउन द लाइन इस नेक्स्ट ब्लॉक में इसको आपने नंबर वो रिपीट नहीं करने हैं, सेल चेंज होएंगे, इसमें आप आ जाएगा आपका 8, इसमें आपका आ जाएगा 5 और बीच में आ जाएगा आपका 2। नीचे वाले ब्लॉक में 8 सेंटर में आ जाएगा, 5 इस कॉलम में जाएगा और 2 आपका इस कॉलम में जाएगा। अब इसी डायगोनल में ये 8, 2, 5 आ जाएंगे, 8, 2, 5 ये जो 5, 8, 2 है इस ब्लॉक में जाएगा, 5, 8, 2 अब इसी डायगोनल में ये ऐसे ही आएगा 5, 8, 2 ये वाला जो नंबर है 8 to 5 इस कॉर्नर वाले में जाएगा 8, 2, 5। दोस्तों आपने ये नजर में रखनी है बात कि ये एक ही रो में रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे कि मैंने किया 2, 8, 5, 5, 2, 8, 2, 5, 8, 5, 2, 8, 2, 5, 8, 2, 8, 5, 2, 8, 2, 8, 5, 2, 8, 2, 8, 2, 5, 8, 2, 5। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने ग्रुप बनाए हैं इनको इन ब्लॉक्स में फिल करना है। फिर कैसे करेंगे, पहले ऊपर वाला ले लीजिए 3, 1। अब आपने इसको हॉरिजॉन्टल रो में लिया है, नेक्स्ट ब्लॉक में आपने इसको कॉलम में ले लेना है 1, 3। इससे नीचे वाले ब्लॉक में हमने इसको डायगोनल लेना है, ये 3 हमारा इस साइड में है तो 3 इस कॉर्नर में आ जाएगा और 1 इस कॉर्नर में आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप फॉलो कर रहे हो। पहला जो ग्रुप हमने लिया है 1, 3 इसको पहले इसको रो में लिखना है, दूसरे ब्लॉक में इसको कॉलम में लिखा है और तीसरे ब्लॉक में इसको डायगोनली लिखा है। अब आ लीजिए 4, 6 को ले लेते हैं। 4, 6 पहले हम इसको कॉलम में ले लेते हैं 4, 6 आगे हम इसको डायगोनली ले लेते हैं 4, 6 एंड देन इसको हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं 4, 6। अब बच गया है 7, 9। 7, 9 हम इसको पहले यहां वर्टिकल लेंगे 7, 9 इसमें हॉरिजॉन्टल लेंगे 9, 7 और इसको डायगोनली लेंगे 7, 9। सो फ्रेंड्स अब इसके आगे बहुत आसान है, जैसे मैं आपको पहले बताया करता हूं
बेसिकली आपने इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है। ये हमने क्योंकि डायगनली ऐसे लिया है तो आपने ये ब्लॉक एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट करना है। 249 49 351 31 768 76 249 31 76। अब क्योंकि हमने ये 582 इसको कॉपी करना है, 582 582 582, तो ये एज इट इज यहां कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 573 684 6 4 19 179 7 3 6 4 1 9। ये हमने 825 825 यहां किया तो ये कॉपी करके यहां पेस्ट करना है। 1 6 9 7 4 3 यही ब्लॉक एज इट इज हमने यहां पेस्ट करना है। 8 1 6 1 6 9 7 4 3। दोस्तों कंप्लीट ग्रिड आपके सामने है। इसमें हमने करना क्या है, पहले हमने 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, उन 3 नंबर्स को डायगनली हमने हर ब्लॉक में लिखना है। उसके बाद जो बाकी 6 नंबर बचते हैं उनके 3 ग्रुप बनाने हैं, 2-2 के। आप कोई भी ग्रुप बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने इन्हीं को नकल करनी है या इसको नकल करनी है, कोई भी नंबर हो और कोई भी नंबर यहां लो, लेकिन आपने लिखने कैसे हैं, जो ये 3 का ग्रुप है ये सारे डायगनली लिखे जाएंगे, हर ब्लॉक में डायगनली लिखे जाएंगे। और ये ख्याल रखना है कि ये एक कॉलम में या एक रो में रिपीट ना हो। उसके बाद हमने एक ग्रुप, ये 2 वाला जो है, 1 3 पहला ग्रुप जो बनाएंगे उसको एक बार हॉरिजेंटल लिखना है और एक बार वर्टिकल लिखना है और एक बार डायगनली लिखना है। फिर दूसरा ग्रुप उसी तरह एक बार हॉरिजेंटल लिखेंगे, एक बार उसको वर्टिकल लिखेंगे, फिर उसको डायगनल लिखेंगे। फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप 7 9 का एक बार वर्टिकल लिखेंगे, एक बार हॉरिजेंटल लिखेंगे, फिर डायगनल लिखेंगे। जब हमने 1 2 3 ये 3 ब्लॉक बना लिख लिए हैं तो फिर हमने करना क्या है, कॉपी एंड पेस्ट। याद रखिए ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 है, ये ब्लॉक 4 है, सेंटर वाला 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। दो 6 और 7 ये 3 ब्लॉक आइडेंटिकल होंगे 1 से,
copy of each other. Similarly, 1, 5 और 9 ये तीनों ब्लॉक एक दूसरे की कॉपी होंगे. 4, 8 और 3 ये तीनों एक दूसरे की कॉपी होंगे. आप अपने हिसाब से इनमें से किसी ब्लॉक को डिलीट कर सकते हो और बच्चे को बोल सकते हो कि भाई इसमें लोकेट करोगे कौन सा कहां पेस्ट करना है. आप इनमें से कुछ सेल डिलीट कर सकते हो और बच्चे को बोल सकते हो कि भाई साहब आप इसको सॉल्व करें. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये काम आएगी और मैं आपको फ्यूचर में भी कुछ ऐसी पजल्स लेकर आऊंगा जो आपके टीनेजर बच्चे हैं जो कि प्राइमरी क्लासेस क्रॉस कर चुके हैं उनके हल करने के लिए होंगी. और ज़्यादा मुश्किल नहीं होएंगी लेकिन बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग और स्ट्रेटजिकल थिंकिंग के लिए मजबूर करेंगी. दोस्तों आप मेरे कोशिश जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप उसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखा करें. थैंक यू वेरी मच. देखने के लिए धन्यवाद.